बहुत दिन से ना कुछ डिफरेंट खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई नई रेसिपी बनाई जाए। तो ये मैंने बनाया है सूरती इदड़ा। तो इसके लिए आपको एक कटोरी सूजी लेनी है, एक कटोरी दही लेना है, दोनों को अच्छे से मिक्स करके 30 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। और उसके बाद इसमें 30 मिनट के बाद आपको क्रश्ड किया हुआ जिंजर, चिली, सॉल्ट मिक्स करके और 2 चम्मच तेल भी मिक्स करिएगा, और एक जो सैसे आता है ना इनो फ्रूट सॉल्ट का नॉर्मल वाला, वो डाल के फटाफट मिक्स करके आपको इस तरह से ग्रीसिंग करी हुई जो प्लेट है उनके ऊपर आपको पॉर कर देना है। पॉरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थोड़ी सी। और इसके बाद एक में मैंने डाली है काली मिर्च और एक में डाला है लाल मिर्च पाउडर, और रख देंगे इसे हम स्टीमर पर और इसे 10 मिनट के लिए हम स्टीम होने देंगे। तो एंड में देखिएगा क्या बनकर तैयार होता है। सूरती इदड़ा कहते हैं इसको। और ये देखिए 10 मिनट बाद ये जो हमारा सूरती इदड़ा है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसको इदड़ा भी बोलते हैं और कुछ कुछ जगह पे इसको ढोकला भी बोलते हैं, लेकिन कहा जाए तो ये इदड़ा होता है। नॉर्मली ये राइस और दाल से बनता है, लेकिन यहाँ पर हमने इंस्टेंट इदड़ा बनाया है। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही यमी इदड़ा बनकर तैयार हुआ है हमारा। हमने स्टीमर में से निकाल लिया है, अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद हमने इसके ऊपर लगाना है तेल। और आप यूज़ करें ना तो मूंगफली का तेल यूज़ करिएगा, जो पीनट ऑयल होता है उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह से आप इसके ऊपर ऑयल स्प्रेड कर दीजिए दोनों जगह पर, और ठंडा होने के बाद हम इसे कट करेंगे। बहुत ही यमी डिश है, आप भी ट्राई कीजिएगा। जो इसकी रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो मेरे ब्लॉग्स होते हैं वो आप सब तक पहुंच सकें। बहुत ही सिंपल ब्लॉग्स लेके आती हूं मैं, और ये जो चैनल है स्पेशली वुमेंस के लिए है। तो वुमेंस की अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ मेल के थ्रू या कॉमेंट में आके डिस्कस कर सकते हैं। और रेसिपीज़ मैं लाती रहती हूँ, ट्रैवल ब्लॉग्स लाती रहती हूँ, बहुत कुछ है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो इदड़ा है वो रेडी हो चुके हैं, और कितने स्पंजी बने हैं ना, ये मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने एक इदड़ा निकाला, उसे मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है ये। स्पंजी इन द सेंस, अगर हम इसे प्रेस करेंगे ना तो प्रेस करने के बाद ये टोटल अपना जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें आ जाएगा। ये देखिए मैं आपको अच्छे से प्रेस करके बताती हूँ। इसे हमने प्रेस किया और ये फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। फिर से प्रेस किया और फिर से ये देखना कितनी तेज प्रेस किया है मैंने, फिर भी ये कितना फ्लफी बना है। तो इसे कहते हैं स्पंजी। तो बहुत ही स्पंजी इदड़ा बनकर तैयार हुआ है। आप भी बताइएगा, और आप इसे ब्रेकफास्ट में और बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत पसंद आता है। आप चाहें तो इसे ऐसे नॉर्मली भी खा सकते हैं, इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो वो भी मैंने आगे रेसिपी में बताया है। और ये हमारा काली मिर्च वाला इदड़ा है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये भी बहुत ही यम बनकर तैयार हुआ है, उसी तरह सॉफ्ट है ये। अब इसके बाद इसका हमें तड़का लगाना है। अगर आप इसे बिना तड़के के भी खाएंगे ना, ये ऐसे ही खाया जाता है इडली चटनी के साथ में। ग्रीन चटनी बना लीजिए, या आप इसके साथ में रेड चटनी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है। हम निकाल देंगे इसको अब इस प्लेट में से और बाउल में रख देंगे। आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है, ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं। और ये देखिए हमने इसको एक बिग बाउल में डाल लिया है। इसी तरह जो दूसरे हैं वो भी हम निकाल देंगे, उसको भी हम सेपरेट कर लेंगे। बनाते बनाते ही ना मुंह में पानी, इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है इतनी शानदार होती है कि मज़ा ही आ जाता है। और गुजराती फूड, मतलब जो फरसान होता है, गुजराती नाश्ता होता है, वो तो वैसे ही पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। ये हमने निकाल लिए हैं सारे पीसेस। अब चलेंगे हम नेक्स्ट प्रोसेस में तड़का लगाने की तरफ। मैं आपको एक बार क्लोज लुकआउट दे देती हूँ इसका, कितना फ्लफी और शानदार हमारा सूरती इदड़ा बनकर तैयार हुआ है। आइडियली ये पतला होता है, लेकिन मैंने थोड़ी जो इसकी थिकनेस है वो मोटी रखी है, थिक रखा है। अदरवाइज़ जो
अभी जो थिकनेस है ना, इससे भी पतला आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनली ये बहुत पतला होता है। अब हमने तेल लिया है, उसमें कड़ी पत्ता, जीरा, राई और 2 चम्मच भरकर हमने जो तिल होते हैं सफ़ेद वाले वो डाल दिए हैं। फिर डाल दिया है 2 चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है क्योंकि अगर आपके बच्चे खा रहे हैं तो उनको तीखा लग सकता है, और आप चाहें तो लाल मिर्च को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हमारा गुजराती सूरती इडला तैयार है। अब मैं तो जा रही हूँ इसे खाने के लिए, क्योंकि मुझे लगी है बहुत तेज भूख। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से अपने व्लॉग्स लेकर आ सकूं और आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल माई स्मॉल वर्ल्ड_वुमन। थैंक यू।